बाबू झारखंड रेमिटेंट संताल आदिवासी होपोन जहां यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम रे 430 रैंक अहू कते झारखंड मा नितुम रोशन कागी सावते अबू आदिवासी समाज ना नितुम हो अडी चोटते रकाब कदा उनिया नितुम दो हुयु कांते रीना हंसदा। रीना हंसदा वा तेहन उड़ा दो झारखंड रे खूंटी जिला रे तोड़पा रोड रे जहां प्रेम नगर मिना ओंडे की रीना हंसदा दो तेहन तेन। रीना हंसदा मेन तेहना जे नुई आईएस ऑफिसर बिनाव कते आदिवासी महिला और गिद्रा कुआ जीवन मौच बिनावा। रीना हंसदा 2009 रे आया 10वीं कक्षा पास कादा सेक्रेट हार्ट स्कूल हुरहुंडा रांची खोल। आज जुदी रीना हंसदावा मूल उड़ा मतलब जनाम उड़ा बुन कथा खाए उना तो गुंडा जिला रे तिलई पाड़ा रे कानतया। उसके बाद उन्हीं आया 12वीं कक्षा दो जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची खोय की पास कादा ओंडे खोय उंडुंग कते उन्हीं लहार ना पढ़ाव लगी ते संत जेवियर कॉलेज रांची रे पॉलिटिकल साइंस रे ऑनर्स कते पढ़ाव किया जहाँ रे उन्हीं गोल्ड मेडल हो जीते उकाना। जोखन रीना हंसदा आज बाबा एंथोनी हंसदा जोखन चक्री नाम किया तोखन गी 1983 रे उन्हीं दो खूंटी जिला हेना और ओंडे गी आया बसाय बिनाव किया। रीना टुडू आज आयु बेरथा केरकेट्टा उन्हीं दो मिट्टेन संत माइकल स्कूल नेमिटे मास्टर थेकना। जोखन की जेवियर कॉलेज खोय उन्हीं ग्रेजुएशन पूरा किया तापर लहार की पढ़ा लगी उन्हीं दिल्ली चलाना। दिल्ली रे जेएनयू रे भर्ती कते ओंडे खोय की जीआरएस से क्वालिफाई किया और आत्मनिर्भर बिनावना। तापर उन्हीं दो पीएचडी ना पढ़ावे अहब किया और 2020 रे उन्हीं दो यूपीएससी क्वालिफाई किया। नितों दो उन्हीं मिटेन सिविल सेवा रे कमी तेना। रीना हंसदाय मेन तेना जोखन गी उन्हीं आज बाबा और आज दीदी बीपीएससी ना किन तैयारी थेना तोखन खोय गी उनकी नेल कते गी रीना हंसदावा मोने रहो यूपीएससी क्वालिफाई लगी जुनून है यदिया तो ओंडे खोय गी तैयारी अहब किया और 2020 रे उन्हीं यूपीएससी क्वालिफाई किया। निया अबो आदिवासी समाज दो मिटेन अडी लट्टू कथा गान गया जिदा से अबो आदिवासी रे नुंका पुल्य महिला कनाय पुल्य फोड़ कनाय जहाँ ओंडे अभी इन लट्टू पद अभी है तीय का था बोना। यही संदेश देना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैंने जो जीवन से सीखा अपनी माँ के जीवन से अपने अपने अनुभवों से भी जो सीखा है कि ये जो आत्मविश्वास है ये पैसे से नहीं आता, ये आपके अंदर से आना चाहिए। और जो ज्ञान है ये बहुत बड़ा सोर्स है आत्मविश्वास का, आपको कॉन्फिडेंस लाने का। अगर आपको नॉलेज है किसी चीज़ का तो आप कॉन्फिडेंट रहिएगा, पैसों से केवल ये नहीं आएगा। अगर एक औरत अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो अपने अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए प्रेरणा का कारण होती है। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने बच्चियों को जो भी बहने हैं जो भी इनको इनके सपनों को आप आगे बढ़ाइए, इनको भी मौका दीजिए कि ये आगे कुछ कर सके। धन्यवाद।